मैं श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, बोले प्रामाणिक जानकारी देना मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी, न्यूज गति से ज्यादा जरूरी एक्यूरेसी। गुजरात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले गुजरात में 27 साल के कुशासन को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा था जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं हो पाते गरीब, अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी कैदियों की रिपोर्ट। असम में 5 माह की गर्भवती शिक्षिका के साथ छात्रों ने की बदसलूकी, माता पिता से की थी शिकायत। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच सांसद माने तो विशेषज्ञ समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया, सीएम शिंदे ने दी बधाई। पंत का फ्लॉप शो सैमसन पर पॉलिटिक्स, थरूर बोले 11 से 10 मैचों में पंत फेल, फिर भी टीम में। बिहार में दुष्कर्म व पॉक्सो मामले की सुनवाई अब होगी तेज, 54 विशेष न्यायालय व 432 नए पदों को मिली मंजूरी। गिरिराज सिंह ने ओवैसी को बताया जिन्ना का डीएनए, बोले बिहार में लागू करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। छत्तीसगढ़ में पिता की हत्या कर कुएं में फेंकी लाश, सबूत छिपाने के लिए ऊपर से डाली झाड़ियां और कचरा, खून के छींटों ने खोल दी पोल। दिल्ली शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी, ईडी ने कारोबारी अमित अरोड़ा को पकड़ा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर उठाया सवाल, बोले मुख्य खबरों से ध्यान हटाना इसका मकसद तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर कानून मंत्री ने लाघी लक्ष्मण रेखा, किरण रिजिजू के बयान पर बोले सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लव जिहाद पर बड़ा बयान, बोले देश में लव जिहाद बना आतंकवाद का नया रूप। दिनभर चले सियासी ड्रामे के बाद वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला को मिली जमानत, कार समेत उठा ले गई थी पुलिस। डोभाल बोले इस्लाम का मतलब शांति, उलमाओं के बीच कहा कट्टरता आतंकवाद इससे बिल्कुल उलट, इसमें लड़ने का मतलब धर्म से टकराव नहीं। योगी को मठ में भेजने वाले करेंगे भाजपा ज्वाइन, 321 दिन बाद फिर से भाजपा में शामिल होंगे पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। गोरखपुर की नालियों में बहता है सोना, 45 साल से कचरे में सोना निकाल रहे 100 से ज्यादा परिवार, दावा 4 घंटे में जुटाते हैं सोना। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बेहाल, एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी का रास्ता खुदा, महिला चिकित्सालय में नहीं मिलते कंबल और चादर। विकासनगर अग्निकांड में देरी से पहुंची थी दमकल, प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनकर पहुंचने पर शासन ने मांगा जवाब, फिर भड़की आग। हवालात में दरोगा ने पीट कर युवक का पैर तोड़ा, कोर्ट के आदेश पर हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज, 8 महीने पुराना है मामला।
रोडवेज और ट्रक में भिड़ंत, 6 लोगों की मौत। जयपुर से लखनऊ होते हुए बहराइच जा रही थी बस, 15 यात्री घायल। फतेहपुर में झाड़ियों में जिंदा मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान बच्ची की हुई मौत, मां की तलाश में जुटी पुलिस। पांच साल के बेटे की गवाही से पिता को सजा, झांसी में मां की हत्या का इकलौता चश्मदीद था, कोर्ट ने 10 साल की कैद दी। इटावा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाहन चेकिंग की, 21 लाख की नकदी जब्त, लगातार हो रही कार्रवाई। पीलीभीत में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, फांसी के फंदे पर लटकता मिला पिता का शव, जमीन पर पड़े थे बेटा और बेटी। बजरंग दल नेता की मर्डर से पहले हत्या, आरोपियों की रील, अतुल पंडित गैंग का गाना, छोटे भाई इससे हो दिक्कत तो गोली मार दिए, जेल हम काट लेंगे। हमीरपुर के चारों आईटीआई कॉलेज भगवान भरोसे, लोगों का स्टाफ चाहिए लेकिन तैनाती सिर्फ 20 की। सोनभद्र में नकली शराब बनाने वालों का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 4 फरार, 39 पेटियों में बरामद हुई 1717 देशी सीसी। फिरोजाबाद में परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 10 मिनट में पूरे घर में फैली, पत्नी बच्चों को बचाने गया युवक भी बाहर नहीं निकल सका। गाजीपुर चौचकपुर मार्ग पर कूड़े का बना पहाड़, दुर्गंध से राहगीर होते हैं परेशान स्थानीय लोगों में संक्रमण बीमारियों का डर। सीतापुर में रोडवेज बस की बड़ी लापरवाही उजागर, मोबाइल पर बात करते समय एक हाथ से चलाता रहा बस, 30 से 35 यात्री बस में थे सवार। सूदखोरों की धमकी, रुपए दो नहीं तो बेटियां उठा लेंगे, इसलिए मां ने डीएम ऑफिस में पिया था जहर, डर की वजह से बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। मथुरा में बांग्लादेशी कैदी हुए रिहा, जेल में रिहा बांग्लादेशी कैदियों को पुलिस छोड़ने गई सीमा तक। बरेली में वाहन की टक्कर से बोलोरो में लगी आग, फरीदपुर में जली गाड़ी, बसपा के 3 कार्यकर्ता बाल बाल बचे। टीटीजेड में प्रदूषण करने वालों पर होगी कार्रवाई, कमिश्नर ने प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम समेत अन्य विभागों को दिए सख्त निर्देश। एमएसएमई मंत्री को कोर्ट में मिली राहत, केसा अधिकारी ने मारपीट मामले में 33 साल बाद आया फैसला, विशेष कोर्ट ने बरी किया। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, सपा ने दावेदार बोले, गुलाम नाम है मेरा, कमल को दे सकता हूं चुनौती। पीलीभीत में एसपी ने 4 सिपाहियों को किया निलंबित, गोपनीयता भंग करने में की कार्रवाई, गौकशी के आरोपियों से साठगांठ का आरोप। वाइल्ड लाइफ टीम ने 4 अजगर का किया रेस्क्यू। हाथरस के चंदपा में गुमटी में लगी आग, हजारों का सामान जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पाया काबू। आगरा पहुंचे नवागत पुलिस कमिश्नर ने संभाला चार्ज, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह पहले ही दिन देखे एक्शन मोड में।
अलीगढ़ से दिल्ली जा रही रोडवेज बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। चंदौली में निजी कंपनियों के अधिकारियों को बदमाशों ने पीटा, मारपीट के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता मिला महिला और बच्चे का शव, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने डीएम को दी बधाई, 17 साल बाद कन्नौज महोत्सव कराने पर दी बधाई। उत्तराखंड में नकल माफिया चंदन मनराल के स्टोन क्रशर पर एसटीएफ की नजर, जमीन वाहन व भवन भी कुर्क करने की तैयारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी विधायक ने सीएम को गिनाया 10 काम, 3 के लिए चाहिए 50 करोड़। उत्तराखंड में 3 पेड़ों की वजह से अटकी 200 गांवों की उम्मीद, काठगोदाम मार्ग बंद होने से बढ़ रहा संकट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेंगू से एक और मौत, एसटीएच में भर्ती जसपुर की किशोरी ने तोड़ा दम। विधायक आदेश चौहान ने दी आत्मदाह की चेतावनी, पुलिस अधीक्षक पर व्यक्तिगत रंजिश रखने और विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर अब 10 साल की सजा, जुर्माना भी बढ़ा। उत्तराखंड में बिना काम दिखाया 40 लाख का खर्च, 9 लाख के वाहन जाम, टीम ने पकड़ा गड़बड़ झाला। उत्तराखंड में महालेखाकार की रिपोर्ट में खुली पोल, एक ढर्रे पर पंचायतें और निकाय कर वसूली में भी नाकाम। यूपी बॉर्डर पर नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अफीम के साथ झारखंड और बिहार निवासी महिलाओं को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में कर्ज देने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपियों को 7 साल कैद, 59,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड की देहरादून में कॉलेज के एक छात्र को साथियों ने किया नग्न, बनाया वीडियो रुपए ना देने पर किया वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर्ष फायरिंग में नामित पार्षद पर मुकदमा, एक गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की राइफल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले सफल जीवन वही जो दूसरों की सेवा में समर्पित रहे। उत्तराखंड में गुच्छू पानी में रिक्शा चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या, सोमवार से था लापता, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर हाथी ने लोगों के पीछे लगाई दौड़, मची भगदड़, एक व्यक्ति खाई में गिरा। चीन में सरकारी सख्ती के बावजूद उग्र प्रदर्शन, पुलिस पर कांच की बोतलें फेंकी, जिनपिंग विरोधी नारे लगाए। पाक में अहमदियों के कब्रिस्तान पर हमला, संदिग्धों ने कब्रें तोड़ी, समुदाय विरोधी नारे लिखे।
असीम मुनीर के आते ही पाकिस्तान में टीटीपी आतंकियों का खूनी खेल शुरू। केटा में सुसाइड ब्लास्ट, तो 2 मरे 24 घायल। अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के पास है परमाणु हथियारों का जखीरा। चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा भारत के साथ उसके संबंधों में ना दे दखल। अमेरिका में सीनेट में पास हुआ सेम सेक्स मैरिज बिल, जनवरी के पहले प्रेसिडेंट बाइडेन इसे कानून बनाएंगे। दावा 2035 में चीन के पास 1500 परमाणु हथियार होंगे। अमेरिका बोला बेहद चिंताजनक है, रूस के पास सबसे ज्यादा, भारत के पास केवल 159। बिना हिजाब काबुल पहुंची पाक विदेश राज्य मंत्री, तालिबान नेताओं के साथ हीना रब्बानी का वीडियो वायरल। इसराइल के हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत। 2022 में मारे गए 200 लोग 2006 के बाद सबसे ज्यादा मौत इस साल हुई। पाक के नए आर्मी चीफ बने आसिम मुनीर, स्टेक ऑफ कमांड थामी। ₹14 तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, $82 तक गिरे कच्चे तेल के दाम, कंपनियों का घाटा खत्म। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा 2021 में आया था आखिरी वीडियो, कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना में शुरू हुई थी मा की तबाही। चौसठ साल की उम्र में विक्रम का निधन, दिल का दौरा पड़ने से गई जान। विक्रम ही टोयोटा के कारोबार को लाए थे भारत। प्रणय राधिका का एनडीटीवी प्रमोटर ग्रुप के बोर्ड में इस्तीफा, कल ही अडानी को मिली थी मीडिया फार्म की 29.18% स्टेक। एयर इंडिया विस्तारा के मर्जर की घोषणा, नई फर्म में टाटा को 74.5% हिस्सेदारी होगी, फुल सर्विस और लो कास्ट वाली पहली एयरलाइन बनेगी। आरबीआई 1 दिसंबर को लॉन्च करेगा रिटेल ई रूपी, कैश रखने की जरूरत नहीं, डिजिटल वॉलेट में रख कर कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। साढ़े 3 मिनट में नहीं बनी मैक्रोनी, तो कंपनी पर केस किया, महिला ने 40 करोड़ रुपए का मांगा हर्जाना, कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन का आरोप। लोगों को रास आ रहा डिजिटल लोन, बीते एक साल में 4,435,00,000 से बढ़कर 14 करोड़ रुपए पर पहुंचा। गैर मिलावटी बासमती व टूटे चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा, डीजीएफटी ने लिया फैसला। आरबीआई ने भारत को कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया 50,00,000 रुपए का जुर्माना, आईआरएसी नियमों का पालन ना करने का आरोप। टीम की हार पर ईरान में जश्न, अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में 1-0 से हराया, सरकार के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट। संजू सैमसन को टीम में नहीं चुने जाने पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट दानिश कनेरिया, कहा राइडू का करियर इसी तरह खत्म हुआ। बहुमयंती लैंगर की वजह से मुश्किल में बीसीसीआई चीफ रोजर विनी, ऑफिसर विनीत सरन से रोजर विनी को नोटिस भेजा।
फिर फ्लॉप हुए ऋषभ पंत, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भी नहीं चला बल्ला। जसप्रीत बुमराह के साथ खुद की तुलना पर अर्शदीप सिंह का बयान, बोले हम क्रिकेटर के तौर पर खेल का आनंद लेना चाहते हैं। सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, इक्वाडोर को रोमांचक मुकाबले में हराया। एक मैच भी ना जीत सका मेजबान कतर, अब नीदरलैंड ने हराया कापको ने दागा टूर्नामेंट लगातार तीसरा गोल। पाक के पूर्व क्रिकेटरों में जुवानी जंग, अकरम ने लिखा मालिक कपड़े जूते धुलवाते थे, पूर्व कप्तान ने दिया जवाब। इंडिया ए ने बांग्लादेश ए को 112 पर समेटा, सौरभ कुमार ने 4 और नवदीप सैनी ने 3 विकेट झटके। कोच के दावे से सहमत नहीं पैट, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा हमारी टीम में कोई कायर नहीं। प्रभास के साथ अफेयर की खबरों पर कृति का रिएक्शन, बोली ये बातें पूरी तरह से गलत हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। धनश्री के 2 बैग और लगेज उठाए दिखे चहल, शिखर धवन ने मजेदार वीडियो शेयर कर पूछा ये क्रिकेटर है या कुली। लैपिट ने बताया कश्मीर फाइल्स को वल्गर, बोले फिल्म का एजेंडा सरकारी सच बोलना आसान नहीं था, डरते हुए ये बात कही। IIFA 2023 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सलमान खान, ग्रे सूट में दिखे हैंडसम, सोशल मीडिया पर हुई जमकर तारीफ। स्वैप के साथ अफेयर पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोली हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं सानिया और स्वैप की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वध का श्रद्धा केस से कोई रिलेशन नहीं, एक्टर संजय मिश्रा बोले फिल्म में मैंने हत्या नहीं की बुराई का वध किया है। वल्गर कंट्रोवर्सी पर कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर का चैलेंज, विवेक अग्निहोत्री बोले एक भी सीन झूठा साबित करो फिल्म बनाना छोड़ दूंगा। केरल में रिलीज नहीं होगी अवतार 2, थिएटर मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच विवाद बनी वजह। नोरा फतेही की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट पर किया डांस, विक्की कौशल हुमा कुरैसी समेत एयरपोर्ट पर दिखे सेलेब्स। ऋषभ शेट्टी को बॉलीवुड में कोई दिलचस्पी नहीं, कहा कन्नड़ इंडस्ट्री मेरी कर्मभूमि है और मैं यहां काम करके खुश हूं। प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।